Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube channel. आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. फाइनली फ्लिपकार्ट की तरफ से आ चुके हैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज. कौन कौन सी पोजीशन के लिए इस बार अपडेट आए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ों को वन बाई वन हम कवर करने वाले हैं. क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज आउट हुई है ना, वो बहुत टाइम के बाद है जो फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली ये वैकेंसीज रिलीज़ की हैं. तो आपको कैसे इन वैकेंसीज में अप्लाई करना रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ों को एक एक करके हम कवर करेंगे. वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा. मैं आपके लिए हर एक अपडेट टाइमली लेकर आती हूँ. मैं आपको इसलिए हमेशा बोलती हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर रखा कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी आप रेकमेंड जरूर किया कीजिए. क्योंकि आपको कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आती है, प्राइवेट डिपार्टमेंट की आती है, सारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा डिटेल में प्रोवाइड किया जाता है. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा. बाकी इस अपडेट के अलावा देखिए, बहुत सारी डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसी जो है वो रिलीज हो चुकी हैं. आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हमारी जो ऑफिशियल साइट है, इसको आप सीधा गूगल पे टाइप करना, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाती है. जितनी भी लेटेस्ट इस मंथ की वैकेंसीज आई हुई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट की हो, सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है. आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सीधा गूगल पे टाइप करना, आपको बेनिफिट ही मिलेगा क्योंकि पहले नंबर पे आपको साइट यहाँ पे मिल जाएगी. चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा बात करेंगे फ्लिपकार्ट की आई हुई बिल्कुल फ्रेश जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में. आपको कैसे इन वैकेंसीज में अप्लाई करना है, पोजीशन इस बार कौन कौन सी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑफिशियली काफी टाइम के बाद है ये वैकेंसी जो रिलीज हुई है. इस जॉब के लिए आपको कोई एप्लीकेशन की फी भी नहीं देनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. इवन फ्लिपकार्ट आपको कभी भी किसी जॉब प्रोसीजर को लेकर पे करने को नहीं बोलता है. तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है. अगर आपको इस तरीके से कोई कॉल आती है कि आप फ्लिपकार्ट के लिए हमें पे कर दीजिए, आपको जॉब दिलवा देंगे, तो फ्लिपकार्ट ने सीधा अपनी साइट पे भी मेंशन किया हुआ है, उन्होंने कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को कोई भी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं दिया है कि वो उनको हायर करके देंगे कोई भी इंप्लॉयज या पे करना होगा. ठीक है, कोई पे नहीं करना, फ्री में आपको अप्लाई यहाँ करना होगा. प्रॉपर स्क्रीन पे चल के मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी इस बार वैकेंसी कौन कौन सी है, क्योंकि दो अलग अलग प्रोफाइल की वैकेंसीज है. आप दोनों के लिए एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ कर सकते हैं और फ्रेश एलिजिबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सैलरी बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे की जा रही है दोनों की, दोनों प्रोफाइल के लिए. दोनों चीजों को वन बाई वन यहाँ कवर करेंगे. पहली नोटिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, सेकंड की क्या है, तो यहाँ पे सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना है. खासतौर पर अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होने वाली है, क्योंकि सारी चीजें आपकी इसी पे डिपेंड करती है. तो वीडियो को लास्ट तक देखना, प्यारा सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का. एक और आपके लिए गुड न्यूज है, बताना चाहती हूँ, दो लेटेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी है. एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक आपके प्राइवेट डिपार्टमेंट की है जो कि गूगल की नई वैकेंसीज है. ये दोनों वीडियोस आ रही है हमारे सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है मीत शर्मा. यूट्यूब में लिखना मीत शर्मा, ठीक है, आपको पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करना है. क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग जॉब अपडेट मिलते हैं, वहां अलग जॉब अपडेट मिलते हैं, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली ना जाए तो जाके सब्सक्राइब आप कर लेना. फिलहाल हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की नई वैकेंसीज के लिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपडेट जो आ चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से, फ्लिपकार्ट के बारे में आप सारे अवेयर होंगे, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है जहां पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली शॉपिंग कर सकते हैं. कैटेगरी से मेरा मतलब है यहाँ पे जैसे कि आप कोई एसेसरीज दे सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन दे सकते हैं, ठीक है, क्लोथिंग की कर सकते हैं, मतलब ये कैटेगरी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं जैसे कि अमेजोन है. तो फ्लिपकार्ट की तरफ से सीधा अपडेट आया, मेल फीमेल यहाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही आपको करना है, कोई भी अदर प्रोसीजर या फिर अदर मोड अप्लाई करने का यहाँ पे नहीं है. तो मैंने आपको पहले भी बताया दो अलग अलग प्रोफाइल के लिए अपडेट आया है, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल अलग है, सिलेक्शन भी बिल्कुल अलग है, अप्लाई करने का प्रोसीजर भी अलग है, सैलरी भी अलग है. सबसे पहले मैं आपको साइट पे लेके चलती हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम सीधा चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है. उसके बाद मैं आपको बताऊँगी सिलेक्शन आपको कैसे यहाँ पे मिलने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं. सो जैसे मैंने आपको बताया दो अलग अलग प्रोफाइल के लिए ये अपडेट आया हुआ है, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही. हम सीधा आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पे, दोनों वैकेंसीज का मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ.
पहली जो प्रोफाइल जो है आई हुई है फ्लिपकार्ट की तरफ से, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीम लीडर की है। प्रोफाइल बहुत बढ़िया, पैकेज बहुत बढ़िया, ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसीज आई हैं। पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 to 3.5 lakh पर एनम तक का आपका यहाँ पे पैकेज है, ठीक है। तो पैकेज देखिए आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया इस प्रोफाइल के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मैं इसके लिए आपको कम से कम सैलरी भी बताऊँ तो वो आपकी है यहाँ पर 25,000, मैक्सिमम जो है वो 30,000 तक है इसी प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो हर कोई आप में से यहाँ एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेशर्स एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं, 0 साल का जिनको भी एक्सपीरियंस है मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को 1 year 2 year 3 4 5 तक है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 0 मतलब यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई जॉब ओपनिंग आई हुई है, टीम लीडर का आपको यहाँ पे बेसिकली काम रहेगा। यहाँ पे देखिए होगा क्या, फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको यहाँ पे टीम प्रोवाइड की जाने वाली है, आप उनके टीम लीडर रहेंगे मतलब आप उनको लीड करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। किस किस तरीके से आपको यहाँ पे काम रहेगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे बेसिकली क्या काम रहेगा, जो भी टीम है ठीक है आपको असाइन की जा रही है, जो डिलीवरी से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है, जो शिपमेंट से रिलेटेड रहेंगी, जो कि डिलीवर करती है कोई भी इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बस आपको यहाँ पे मैनेज करना रहेगा। पिकअप शीट जो होती है ठीक है उसको आपको यहाँ पे देखना होगा, जो भी डेली वर्क दिया जा रहा है उसको आपको शीट को अपडेट करना होगा, ये सिर्फ आपका यहाँ पे काम है। हर कोई आप में से यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई भी अदर अगर आपको टास्क मैनेजमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसको बस कंप्लीट करना है, डरना मत। यहाँ पे सारी ट्रेनिंग फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फुल टाइम आपकी ये परमानेंटली जॉब रहने वाली है, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप अप्लाई कीजिएगा, बाकी सारी ट्रेनिंग आपको कंपनी यहाँ पे देने वाली है। यहाँ पे स्किल्स के बारे में बात करें, स्किल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको सेकंड वाली पहले वैकेंसी बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी दोनों के लिए अप्लाई स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना होगा, ठीक है। अब सेकंड जो प्रोफाइल आई हुई है एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है यहाँ पे, ये भी आपकी फ्लिपकार्ट की तरफ से ही है, ठीक है। 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट की तरफ से सीधा वैकेंसी आई है, मैं आपको एक पोस्ट का अप्लाई करके बता दूंगी, सेकंड पोस्ट का सेम तरीके से अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इन्होंने सीधा लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट की ये बेसिकली वैकेंसी है। आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या होगा, जो भी इनके लॉजिस्टिक पार्टनर्स है और जो इनके सेलर्स है बेसिकली आपको उनके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रखना है इस प्रोफाइल के लिए, ताकि स्मूथ सेलर एक्सपीरियंस है वो डिलीवर किया जा सके, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका यहाँ पे काम है या बाकी ट्रेनिंग सारी फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हर कोई आप में से यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बाकी जो पिकअप से रिलेटेड जैसे टाइमली पिकअप हो सके, ठीक है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको स्किल्स आप में होने चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाए, ये भी फुल टाइम परमानेंट जॉब है, हर कोई आप में से एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई यहाँ कर सकता है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मान लीजिए आपने इसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिली है, रजिस्टर टू अप्लाई, लॉगिन टू अप्लाई की। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने आपको रजिस्टर करना है यहाँ क्लिक करके, अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे करके यूजर नेम पासवर्ड लिख के बस आपको अप्लाई करना है। बट हम पहले पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रजिस्टर टू अप्लाई पे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ये हमारे सामने जो है वो इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इधर आपको सिर्फ अपना नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना होगा, पासवर्ड रखना है, ठीक है, जो कि मिनिमम आपका 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। यहाँ से ये आपके जीमेल का पासवर्ड नहीं मांग रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो रखिए ताकि आपका जो अकाउंट है वो प्रोटेक्टेड रहे मतलब सिक्योर रहे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं, अब यहाँ सिंपली आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया ये आपका सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे बैक ऑप्शन पे जाएंगे, लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना। अब जो ईमेल आईडी या पासवर्ड आपने वहाँ पे रखा है वो सिंपल यहाँ पे लिख के यहाँ लॉगिन हो जाना है आपको, जो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद अपना नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, मतलब जो जो डिटेल्स आपसे मांग रहा है वो एज इट इज फिल करके लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड कर देना, सबमिट पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो जो जो स्टेप मैंने आपको बताई है उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी क्वेरी या कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हो चाहे किसी अदर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हो। मैंने आपको बताया 2 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें एक आ चुका है नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और एक आ चुका है आपका गूगल का। ये दोनों वीडियोस आ रही है, हमारा जो सेकेंड यूट्यूब चैनल है मीत शर्मा जो मैंने आपको बताया है, यूट्यूब में टाइप करना, जाके सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। आपको
किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, इंस्टा फेसबुक पेज पे फॉलो रखना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली